नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लालू यादव ने कहा, गिरिराज के चेहरे पर कालिख पोती जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि उनका कद सोनिया गांधी के तलवे के बराबर भी नहीं है और इसके लिए उनके चेहरे पर कालिख पोती जानी चाहिए। राजद सुप्रीमो ने कहा कि गिरिराज को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी लगाकर उनके चेहरे पर कालिख पोती जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भद्रता की मर्यादा लांघी है। उधर युवा कांग्रेस के एक समूह ने बुधवार को पटना स्थित गिरिराज के मकान पर विरोध स्वरूप अंडे और टमाटर फेंके। यमुना एक्सप्रेस वे पर फिर बढ़ा टोल टैक्स। यमुना एक्सप्रेस वे पर 3 महीने में दूसरी बार टोल की दरें बढ़ाई गई हैं। अब इस पर सफर करने वालों को 10 रुपए से 30 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे। टोल संचालित करने वाले जेपी इंफ्राटेक ने दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए टोल 165 रुपए से बढ़ाकर 175 रुपए कर दिया है। वहीं कार और जीप के लिए 330 से बढ़ाकर 360 रुपए कर दिया गया है। हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल 550 रुपए की जगह 565 रुपए कर दिया गया है। बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए टोल की दरें नहीं बदली हैं। IAS अशोक खेमका का फिर तबादला। हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा भूमि आवंटन मामले में कथित अनियमितता का मामला उठाने वाले IAS अधिकारी अशोक खेमका का बुधवार रात फिर से स्थानांतरण कर दिया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि नवंबर में परिवहन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए वरिष्ठ IAS अधिकारी खेमका का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सचिव और महानिदेशक की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खेमका उन 9 IAS अधिकारियों और हरियाणा सिविल सर्विस के एक अधिकारी में शामिल हैं जिनके स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से जारी किए हैं। 1993 में IAS अधिकारी के तौर पर पहली बार नियुक्त कंप्यूटर इंजीनियर खेमका का 22 साल में करीब 50 बार स्थानांतरण हो चुका है और कुछ पोस्टिंग तो उनकी महज कुछ महीने के लिए हुई।